शुक्रवार को थोक सब्जी मंडी परिसर में गौठान का उद्घाटन किया गया, जिसमें शहर विधायक एवं महापौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौवंश के बेहतर रखरखाव के लिए गौठान का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दुर्ग में एक और गौठान की शुरुआत की गई, जिससे गौवंश को व्यवस्थित रूप से रखने में काफी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के बारे में शहर विधायक ने कुछ इस प्रकार की जानकारी मीडिया को दी। फसलों हमारे गौधन से जो लोगों को लाभ मिल सकता है, मिलेगा, ऐसे समूह की महिलाओं को भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, आज जो गौठान का हमने अभी शुभारंभ किया है नगर निगम में, ये दूसरा है और 5 गौठान यहाँ पर स्वीकृत हैं। बहुत जल्दी 6 तीनों का भी शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य सरकार बनने से पहले किसान लोग भटकाव की स्थिति में थे, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे थे, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और भूपेश बघेल जी ने सत्ता की बागडोर संभाली है और उन्होंने इस बात को कहा कि हम अपने किसान को मरने नहीं देंगे कर्ज के वजह से, तो आज उन्होंने सारी मुख्यमंत्री बनने के बाद धान का समर्थन मूल्य दिया, बोनस दिया, तो ये इसके कारण आज, और राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना लाई उन्होंने। गोधन न्याय योजना के तहत आप देख रहे हैं कि 2020 से पूरे प्रदेश में 10,000 से अधिक गौठानों को स्वीकृति मिली, 8,000 से अधिक गोठान का निर्माण हो गया और बाकी सब प्रक्रियाधीन है, सब बन रहे हैं। और गौठान से कितना फायदा हो रहा है इसका अंदाज़ा पूरे प्रदेशवासी और पूरे देशवासी लगा रहे हैं कि गोबर बेच रहे हैं, गोबर बेच के पशुपालक लोग अपनी जीविकार्जन और आय में वृद्धि कर रहे हैं। वर्मी खाद, पेंट का निर्माण किया जा रहा है, विद्युत का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी परिकल्पना हम लोगों ने शायद पहले कभी नहीं की थी। उस परिकल्पना को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम साकार होते देख रहे हैं। देखिए, ये जितने भी मवेशियों से जो सड़कों पर बैठे रहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने उस अभियान चलाया और उसका गौठान का निर्माण कराया कि जितने भी जो हमारे मवेशी सड़कों में घूमते हैं और उनको गौठान में लाया जाए, उनको अच्छे से उनका खिलाया जाए, पिलाया जाए और उनकी पूरी रक्षा की जाए। इसका परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि हमारे सड़कों में दुर्घटना कम हुई है, लेकिन फिर भी अगर मवेशी दिखते हैं तो उसके लिए प्रशासन को पूरी तरीके से सतर्कता रखनी होगी। आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के माध्यम से जो गौठान की योजनाएं निकाली गई थी, आज ये दूसरा गौठान का हम लोग लोकार्पण किए हैं और इसमें महापौर, विधायक, आयुक्त, नगर निगम के पार्षद, एल्डरमैन, अधिकारी, कर्मचारी सभी इसमें जुड़े हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है। बहुत हमें हमारी संस्कृति के माध्यम से जो जोड़ा जा रहा है, लोगों ने इन सब चीज़ों को भुला दिया था कि गाय है क्या। ये सिर्फ लोग सिर्फ मुगालते करते थे, गाय बचाओ, गाय बचाओ, परंतु माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से गाय के जो उपयोगिता बताई गई कि जो गोबर को हम लोग लेकर लोग चुनते हैं और कंडे बनाते हैं, उसके माध्यम से इन लोगों ने, यहाँ महिलाओं ने क्या, पुरुषों ने क्या, एक छोटा सा अपना रोज़गार भी खोल रखा, जिसके कारण कई लोगों को लाखों रुपए के फायदा भी हुआ और आज इस गौठान के माध्यम से यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी योजना है। हम चाहते हैं कि इस तरह के गौठान खुले, परंतु जिनके यहाँ के जानवर हैं पहले उन्हें भी कहा जाए कि आप अपने जानवरों को घर में रखें, यदि नहीं रखते हैं तब इन गौठानों में उन गायों की उपयोगिता होगी, जिसके माध्यम से हम लोग पेंट भी बना रहे हैं जिससे दीवारों की पुताई होगी। आज हमारे पूर्ण रूप से हम यदि देखा जाए, पुराने इतिहास में चल जाएं, तो जो गोबर को महत्ता मिलती थी, घर के सामने लिपा पोती करना है, दीवारों पे लगाते थे, हम लोग संक्रमित नहीं हो पाते थे, आज हम लोग संक्रमण के शिकार हैं, परंतु आने वाले समय में हम लोग बीमारियों से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि वास्तव में गोबर की जो महत्ता है, ये गोबर की महत्ता मुख्यमंत्री के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई। मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह की योजनाएं जो लेकर वो चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ को स्वच्छता, सफाई और निरोग रखने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।